हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू। दोस्तों, अगर आप एक डी फार्मा के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा न्यू सिलेबस के बारे में, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने सारे सब्जेक्ट पढ़नी है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग एक फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो मैं ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूं जो फार्मेसी से रिलेटेड है। तो चैनल को आप लोग प्लीज़ विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, सारे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, तो सिलेबस की श्रृंखला में जो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, अभी मैं ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता रहा हूँ, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको बेसिकली पांच सब्जेक्ट पढ़नी है। कितने सब्जेक्ट पढ़नी है आपको? पाँच सब्जेक्ट पढ़नी है। अब पाँच सब्जेक्ट में आपके क्या होंगे? थ्योरीज होंगे, थ्योरी और क्या होंगे आपके? प्रैक्टिकल होंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं खुद एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ तो मैं बेहतर बता पाऊंगा आपको। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पांच सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट इसमें पांच और ऐड हो जाता है। वो क्या होता है? थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल। यानी कि अगर आप लोग पांच कोर्स पढ़ते हैं तो आपको 10 कोर्स पढ़ने पड़ते हैं। इट्स मीन दैट कि एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का, और थ्योरी और प्रैक्टिकल डिफरेंट नहीं होता है दोस्तों। अगर आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है थ्योरी से ज़्यादा। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन को भी कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो पहला आपका सिलेबस, जो पहला आपका सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स थ्योरी। अब देखिए, फार्मास्यूटिक्स थ्योरी क्या होता है? फार्मास्यूटिक्स थ्योरी के बारे में अभी प्रॉपर में डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो अभी आप लोग ऐसे ऊपर देख लो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, फिर मैं जाता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। अब देखो, जो दूसरा आप लोग सब्जेक्ट देख रहे होगे, ये देखो, ये फार्मास्यूटिकल का प्रैक्टिकल है, तो इसको अभी आप लोग छोड़ दो, ठीक है? अभी हम बस पाँच की बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आप लोग देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये भी थ्योरी है। तीसरे नंबर पर जो है वो है फार्माकोग्नोसिस थ्योरी, ठीक है? अभी मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी होती है। अब देखो, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरीज। देखो, ये जो होता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे, जिसमें सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बताए जाते हैं। अदर जो है सब्जेक्ट वो है सोशल फार्मेसी थ्योरी, ठीक है? अब देखो, सोशल फार्मेसी प्रैक्टिकल भी, तो कितने आपके हो गए टोटल जो होंगे? अब देखो, आपके जो टोटल सिलेबस हो गए वो हो गए पाँच। पहले पे क्या था आपका? फार्मास्यूटिक्स। दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स था, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स। और दूसरे पे आपका था, दूसरे पे जो था आपका वो था फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे था वो था आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, देखो ये जो नाम है ना, काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो पहली बार अगर आप लोग सिलेबस को देखोगे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। फार्मास्यूटिक्स अलग है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलग है, ठीक है, और फार्माकोग्नोसी भी अलग है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका चौथे नंबर पर, वो आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में HAP के नाम से जानते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पाँचवें नंबर पर जो आता है आपको जो पढ़ना होता है वो होता है सोशल फार्मेसी, ठीक है दोस्तों, सोशल फार्मेसी होता है। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ जाएंगे और जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स थ्योरी का पेपर यहाँ पे शो हो रहा है आपको। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँगा आपको फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो फार्मास्यूटिक्स देखो, फार्मास्यूटिक्स में आप लोग एक चीज़ समझ लो, दवाई के जितने भी मेडिसिन होते हैं उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे टैबलेट्स हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, टैबलेट को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कैप्सूल को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, सीरप को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको मिलती है फार्मास्यूटिक्स में। तो अब देख लेते हैं टॉपिक वाइज कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। देखो आप लोग, दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक्स में ही बताता चलूँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे टॉपिक्स वन है, जो चैप्टर वन का टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है फार्मास्यूटिक्स का। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि फार्मेसी की शुरुआत कैसे हुई इंडिया में, ठीक है, उसके बाद से फार्मेसी करने के बाद कौन कौन से स्कोप हैं, फार्मेसी में कौन कौन सा करियर है, अगर आप लोग फार्मेसी करते हो तो कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, क्या आगे कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है, ठीक है। एक तरह से बेसिकली समझ लो कि फार्मेसी का जो बेसिक्स है कि फार्मेसी करने के बाद आप लोग किस फील्ड में जाते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फार्मेसी का मेन ऑफिस कहाँ होता है, सारी चीज़ें आपको इसी में पढ़नी होती है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा आप लोग यहाँ देख रहे हो फार्माकोपिया।
दोस्तों फार्माकोपोइया, इसको पढ़ोगे आप लोग तो ज़्यादा अच्छा आसानी से याद हो जाएगा। देखो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि ना बहुत बार एग्जाम में इसको पूछ लेता है कि इसका इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। तो इसको फार्माकोपोइया लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है फार्माकोपिया। अब देखो फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, फार्माकोपिया के ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखी है, अगर आप लोग देखना चाहो तो उसको ज़रूर जाकर देख सकते हो फार्माकोपिया क्या होता है। देखिए फार्माकोपिया होता क्या है, जैसे कोई टैबलेट्स या दवा लेते हो, ठीक है, उसके अंतर्गत आप लोग देखते हो दवा के जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है दोस्तों, जो मेडिसिन होती है ना उसके पीछे साइड पे, यानी कि जो मेडिसिन होती है उसके जो मेन कंपोजिशन होते हैं उसके बाद लिखा होता है आईपी, ठीक है, या तो यूएसपी। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, टैक्सिम ओ का भी है, तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या होता है, आईपी और बीपी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बना रखा है। फार्माकोपिया बेसिकली क्या है, एक बुक है जिसमें सारी ड्रग्स और दवाइयों के बारे में दिया गया है कि कौन सी दवाई का यूज़ कैसे करना है, क्या साइड इफेक्ट हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर, इस बुक के अंदर आपको मिल जाती हैं। देखिए दूसरा जो है आपको दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है पैकेजिंग मटेरियल। तो जो भी है टाइप, सेलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर पैकिंग मटेरियल, जो भी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं जिससे दवा को हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसको चीज़ को पढ़ना होता है, आपको कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, नाम से ही लग रहा है पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि जो पैकेजिंग करने में काम आता है। अब देखो आप लोग यहाँ पर तीसरा जो पढ़ना है आपको फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक, कर्लिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेशन। अब देखो फार्मास्यूटिकल ऐड का मतलब क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल ऐड का मतलब हुआ कि जब आप लोग दवाई बनाते हो, जो भी दवाइयाँ बनती है, ठीक है, उसमें कलर भेजा जाता है, क्योंकि अगर मान जाओ अगर आप लोग पीसीएम ले रहे हो, ठीक है, तो पीसीएम का एक्चुअल जो कलर होता है वो जो आपको दिखता है वो नहीं होता है, तो उसके लिए इसमें कलर डाला जाता है। दवाई कड़वी ना लगे इसके लिए फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है उसमें, ठीक है, और दवा मीठा लगने, जैसे आप लोग देखते हो कई सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक दवा मैंने देखा है जो आती है आइबोक्लिन जूनियर, जो बच्चों के लिए आती है, जिसको जूनियर जी के नाम से जाना जाता है, तो वो जो दवा होती है वो काफ़ी मीठी दवा लगती है, बच्चे इसको आसानी से खा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो दवाएँ में प्रयोग किया जाता है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, तो क्या कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो भी सीख लिया आपको पढ़ना होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑपरेशन पढ़ना है आपको। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, डिफिनीशन, ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑपरेशन का मतलब, इसके अंतर्गत ही आता है साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। देखिए इसका मतलब हुआ क्या, साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन मतलब होता है साइज को छोटा करना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत साइज को छोटा करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे हैमर मिल है, बाल मिल है, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना होता है। ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिन को कैसे छोटा किया जाता है, क्यों छोटा किया जाता है, क्या फ़ायदा होता है उससे, ठीक है। फिर साइज सेपरेशन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, साइज सेपरेशन, साइज को सेपरेट कर देना किसी भी मेडिसिन के। फिर मिक्सिंग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। मिक्सिंग मीन्स क्या होता है, मिक्स करना, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखो ब्लेंडर में मिक्स किया जाता है, जो दवाई बनती है कैसे मिक्स किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज की जाती हैं। फिर फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है। और फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, फिल्ट्रेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कोई भी जब आप लोग जैसे मान लो कोई भी दवा बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंतर्गत किसी भी तरह के जो अशुद्धि है वो निकल जाए, यानी कि शुद्ध दवा जो है शुद्ध रहे, उसके लिए फिल्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। फिर ड्राइंग यानी कि सुखाना, फिर एक्सट्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है बेसिकली इसमें। अब हम बात करते हैं, देखो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको टैबलेट से पढ़ना होता है, तो फार्मास्यूटिकल सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लगता है वो आपको ये आ गया, टैबलेट्स और कैप्सूल। अब दोस्तों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जो टैबलेट्स होते हैं वो कैप्सूल होते हैं वो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगते हैं, देखिए इसलिए लगते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ और रूटीन से जुड़े हुए हैं। हम लोग टैबलेट्स लेते हैं तो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं कि एक टैबलेट है उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, कैप्सूल कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाया जाता दोस्तों है। टैबलेट और कैप्सूल के बाद आता है आपका लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, अर्थात जो लिक्विड बताइए जो सस्पेंशन है, जो सिरप होता है, जो हमें बेसिकली जो मेडिकल स्टोर पर सिरप मिलता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कैसे बनाया जाता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाने को मिलती है, ठीक है, और पढ़ने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स के बारे में दे रहा है, स्टेराइल फॉर्मुलेशन, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक आपको होता है टैबलेट, कैप्सूल और लिक्विड होता है। इंटरेस्टिंग ये भी होता है पाउडर्स एंड स्टेराइल फॉर्मुलेशन, और इसके अंदर जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बनवाई जाती हैं, ठीक है, ये सारी जितने भी इसमें चीज़ें देख रहे हो ये सारी बनवाई भी जाती हैं डी फार्मा में ही।
तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आपके छवें छवें टॉपिक की, तो छवां जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि जो भी दवाएं बन जाती है ठीक है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी टेस्ट होती है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है कैसे क्वालिटी टेस्ट की जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है। और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ये भी चीज़ आपको पढ़नी रहती है दोस्तों। तो देखो सिंपल सा है बहुत ही, कुछ आपको इतना हेक्टिक नहीं होना है कि यार क्या क्या पढ़ना है। मैं भी जब पहली बार एडमिशन लिया था तो मुझे भी ऐसा लगा था क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जब पहली बार मैंने सेशनल एग्जाम दिया तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सेशनल एग्जाम में चूंकि प्रेशर हो जाता है पढ़ने का, तो जैसे ही मैंने सेशनल एग्जाम दिया तो सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई क्या क्या चीज़ें पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद से आप लोग देख लो सातवां जो टॉपिक है वो है नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल एडवांटेज एंड चैलेंजेस, ठीक है। अब नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसके बेसिक्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और एग्जाम्पल के साथ कोट करके आपको बताया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस जो कि मैंने थ्योरी पोर्शन कवर किया। अब मैं बात करूँगा प्रैक्टिकल पोर्शन की, तो देखो सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो होता है आपका प्रैक्टिकल। अगर आप लोग, मतलब मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जिसका भी एडमिशन हो प्रैक्टिकल जरूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना फार्मेसी बिल्कुल अधूरी है। प्रैक्टिकल में ही सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, क्योंकि थ्योरीज तो कोई आके पढ़ा के चला जाता है, ठीक है। तो थ्योरीज नहीं, प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल आपको आना ही चाहिए। और ये बहुत अच्छा होता है अगर आप लोग किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो जहाँ से आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से कराया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने फार्मास्यूटिक्स के बेसिक्स को कवर किया है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई और टॉपिक चाहते हो, ठीक है, या तो कोई चीज़ फार्मेसी से रिलेटेड जानना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है, मैं भी जब पहली बार एडमिशन लिया था तो केमिस्ट्री पल्ले पढ़ नहीं रही थी, लेकिन हाँ अगर पढ़ते हो आप लोग वाकई में तो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के थ्योरीज के बारे में, तो थ्योरीज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। मैं आपको बेसिक्स थोड़ा बता दूंगा।